जिला रियासी के अंदर जो आज एक कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का रहा है, जिसमें हमारे डिवीजन धरमाड़ी से आए हुए प्रेसिडेंट श्रीमान धनराम जी, मेरी टीम के चेयरमैन श्रीमान मुंशीराम बाली जी व पूरी मेरी जिला रियासी की टीम, आपको विदित होगा कि जम्मू कश्मीर में डेली बेजरों का कत्लेआम किया जा रहा है और कत्लेआम करने में जिन जिन लोगों की भागीदारी रही है वो लोग इतने हावी हैं कि उन्हें डेली बेजर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। पूरे जम्मू सूबे की बात की जाए, आप हर दिन मुजाहरे प्रदर्शन हो रहे हैं और जहां की जिला इंतजामिया रियासी की और जम्मू कश्मीर का एलजी प्रशासन गंभीर अवस्था में सोया पड़ा है। मेरी जम्मू की टीम ने आज, सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि जम्मू की हमारी जो टीम है, भानु प्रताप और दीपक जी ने आज ही जम्मू डिप काम साहब से बात हुई है और जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है 370 रुपये पर डे के हिसाब से, चंद दिनों के अंदर वो जारी होने जा रहा है। हमारी मांग है कि 370 रुपये हमें कदापि मंजूर नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार, एलजी प्रशासन महोदय सिन्हा साहब को मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि उन्हें जम्मू कश्मीर की भाषा समझ नहीं आ रही है, उन्हें जम्मू कश्मीर को तुरंत छोड़कर दिल्ली में जाना चाहिए और दिल्ली में जाकर उन्हें जो जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों के साथ जो हत्याएं उन्होंने की हैं, डेली वेजरों को मजबूर किया है, उसका प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन फिर भी आज भी हमारी यही मांग है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब 24 तारीख को जम्मू में आ रहे हैं, जम्मू की धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन, और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की इकाई और डिस्ट्रिक्ट जिला इंतजामिया रियासी में जो हमारे पूर्व के राज्य मंत्री श्रीमान अजय नंदा जी से मेरा अनुरोध है कि आप समय प्रधानमंत्री जी के समक्ष डेली वेजरों के मुद्दे पर चर्चा करें और प्रधानमंत्री जी उस मंच से कहें कि जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर्स 1 लाख सफरिंग कर रहा था उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने इस मंथन पर गौर नहीं किया तो मैं ये आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 25 तारीख को जिला रियासी की मेरी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर धरना देगी और उस धरने का जो भी फैसला होगा अंतिम रूप में जिला रियासी सबसे अग्रिम भूमिका में रहेगा। मेरे जम्मू के लोग भी जितने हैं, डोडा के लोग जितने हैं, कश्मीर से लोग जितने हैं, माहौर चसाना जितने भी लोग इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं और हर सूबे के अंदर, हर डिविजन्स के अंदर इस कार्यक्रम को तय होगा कि डेली वेजर्स की जो आन बान शान की लड़ाई है, इस लड़ाई को किसी भी हालत में हम कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। जहां तक डिवीजन धरमाड़ी का सवाल है, आपने देखा होगा कि बैसाखी का पर्व हो गया, लेकिन डिवीजन धरमाड़ी की एडमिनिस्ट्रेशन जो PHE के हमारे DDOs हैं, AEE हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, उन्होंने रियासी में अड्डा जमाया है क्योंकि रियासी में ठेका पास है, ठेके की पीते हैं और मौज मस्ती में घूम रहे हैं, डेली बजरों का कत्लेआम कर रहे हैं क्योंकि धरमाड़ी में ठेका नहीं है, माहौर में शराब की दुकान नहीं है, वो अपने शराब की अवस्था में जहां पर पड़े हुए हैं। लेकिन माहौर, एडवेज, धरमाड़ी जितना भी पड़ा है उन लोगों को बेहतर नहीं है। क्या करें डेली वेजर्स ऐसे अधिकारियों के ऊपर? मैं तो कहता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच होनी चाहिए। अगर सरकार इसके ऊपर गंभीर नहीं आई तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी हमारे एसोसिएट के प्रेसिडेंट हैं, वो किसी भी डिविजन्स के अंदर हैं, वो इस हरकत को पूरी ताकत के साथ लेंगे और जिस तरीके से भी डेली बेजरों का कत्लेआम जिन जिन अधिकारियों ने किया है, किसी भी सरकार का मंत्री रहा, हम उनको कदापि बख्शने वाले नहीं हैं। ये हम अपनी बात पर अटल हैं, इसी अटल के साथ में हम इस कार्यशैली को पूरी जोर शोर ताकत के साथ लड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका यहाँ आने का, मीडिया का शुक्रिया करता हूँ। आपने बहुत सारी हमारे जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट के नॉलेज में लाई है। आप जानते हैं कि धरना दें ये लोग तो और क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? पूरा महीना काम करने के बावजूद रियासी डिवीजन के अंदर नहीं, पूरे जम्मू के अंदर इन लोगों को 11 दिन की सैलरी मिली है। पूरा महीना काम करने के बाद 11 दिन की सैलरी दी गवर्नमेंट ने इन लोगों को, गरीबों को। तो जे धरना नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग?
अगर जिसने पूरे 30 दिन काम किया है तो उसको 11 दिन की पे मिलेगी तो किसके पास जाएगा वो, क्या करेगा वो, धरना नहीं करेगा तो क्या करेगा वो। अभी अभी आपके सामने हमारे कुछ जहाँ पर बैठे हुए हमारे भाइयों को अटैक हो गया, दो भाई हमारे हमने अंदर लेके गए हैं उनको, उनको 11 दिन की सैलरी दी है, सभी को मिली है। जब वो बार बार कोसते हैं कि 11 दिन की सैलरी मिली है तो लोगों को अटैक नहीं होगा तो क्या होगा। आज ये हालत ये किसने बनाई है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ये हालात कैसे पैदा हुए हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं सरकार को भी मैंने बार बार कहा है, जब इलेक्शन की बारी आती है तो जो लोग आते हैं हाथ जोड़ते हैं हमें वोट दे दो। पिछली बार जब इलेक्शन आई थी तो जितने भी लीडर थे सभी पार्टियों के लीडरों ने आकर के हमारे साथ वायदा किया था डेली बेरों के साथ कि आप हमें वोट दीजिए हम आपको पक्का करेंगे। लेकिन मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूँ, लीडरों को, कि आपको वोट दिए सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बीजेपी को 25 सीटें दी, लेकिन आज वो कहाँ सोए हुए हैं बीजेपी के लीडर? महंगाई देखिए, महंगाई की तरफ ध्यान दीजिए, महंगाई कहाँ की कहाँ तक बजा दी, लेकिन डेली वेज का रेट जो है वो अभी तक वही 225 रुपये चल रहा है, लेकिन वो भी वक्त पर लोगों को नहीं मिल रहा है। तो धरना नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर सुनने वाला नहीं है इनकी आवाज़ को। सभी लोग जो हैं वो कानाफूसी कर रहे हैं, सभी लोग जो हैं जितने भी लीडर हैं जितने भी सांसद हैं जितने भी एमएलए हैं, जब जो लोग संसद में थे सत्ता में थे उन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए लूट कर अपना घर बनाया है, डेली वेजों का कुछ नहीं किया। आप लोग देख रहे हो कि इन लोगों के पास कितनी कितनी प्राप्ति है और डेली वेज जो है वो एक दो रोटी के बिना भूख से तड़फ रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं। तो कहाँ जाएंगे ये लोग, किसके पास जाएंगे? गवर्नर साहब को बार बार हमने रिक्वेस्ट करके कहा, जम्मू के अंदर गवर्नर साहब ने लोगों के साथ पिछले साल वादा किया था कि अब जो है डीडीसी की इलेक्शन आ रही है, इलेक्शन के बाद आपका काम हम कर देंगे, डेली वेज को पक्का कर देंगे। अरे भाई डीडीसी की इलेक्शन तो गई, अब दूसरी इलेक्शन भी आने वाली है, कब पक्का करोगे? ये मैं गवर्नर साहब को पूछना चाहता हूँ कि आप भी लोगों के साथ झूठे वादे करते हो, क्यों आपने इनके साथ झूठा वादा किया डेली बेरों के साथ और टालमटोल करके इनको टाला है और इनकी आवाज को इस सरकार ने दबाने की कोशिश की है? जब ये लोग आवाज को उठाते हैं तो ये सरकार जो है इस सरकार के अंदर जो लीडरशिप है इनकी आवाज को दबाने की कोशिश करती है। मैं पूछना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लीडरों को कि कहाँ सोए हुए हैं वो लोग, कहाँ वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं, क्यों नहीं गरीबों की आवाज़ को वो सुन रहे हैं, क्यों नहीं इन गरीबों का हक जो है वो इनको दे रहे हैं? आज डेली वेज का रेट क्यों नहीं इन्होंने बढ़ाया, क्यों नहीं इनको डेली वेज का रेट जो है जो 600 रुपये दिहाड़ी इन्होंने कहा था कि हम आपको 600 रुपये दिहाड़ी देंगे, क्यों नहीं वो इनका रेट बढ़ाया? महंगाई कितनी बड़ी बढ़ा दी और डेली वेज का रेट भी बढ़ना चाहिए था ना, क्यों नहीं बढ़ा? क्यों नहीं इनको पक्के किया? इन्होंने वायदा किया था लोगों के साथ कि आपको पक्के करेंगे, SRO 500 भी बनाया, 10 साल की पॉलिसी बनाई, अरे कहाँ गया वो आपका SRO 500 भी, कहाँ रखा वो छुपा करके? क्यों नहीं इनको वो लागू किया, क्यों नहीं इनको पक्के किया? इसलिए ये लोग धरने पर बार बार बैठते हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार के अंदर जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लीडरशिप है चाहे वो किसी भी पार्टी की है, पहले जो था पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस PDP अब उन्होंने लूटा, बीजेपी बीजेपी पर इन लोगों का भरोसा था उन्होंने भी अपना भरोसा तोड़ दिया, उन्होंने भी इन लोगों को बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों ने कहा था कि हम जो है पिछली सरकारों ने हमें लूटा है, हम बीजेपी को वोट डालेंगे, बीजेपी वाले हमारा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं दम दिखाया, उन्होंने भी इनको लूटा है। अब 14 से लेकर अब कितने साल हो गए हैं, 22 जा रहा है, 14 से लेकर के 22 जा रहा, 8 साल हो गए हैं उनको भी इस सरकार में बैठे हुए, लेकिन इन लोगों का कुछ नहीं किया। मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगली बार इलेक्शन आने वाली है, अगर आप लोग इन लोगों का काम इलेक्शन से पहले नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा इस पार्टी को, चाहे कोई भी पार्टी होगी, वो उसको हम सत्ता में नहीं आने देंगे। जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत।